और इसी बीच में 20 रुपए राम बिहारी भैया जी के अंकल जी के नाती पीके शंकर जी की बूटी बूटी पी करण दिया टूटी पीके शंकर जी की बूटी बूटी पी करण दिया टूटी मेरा जिया हुआ बेकरार जरा सी और पिलाए दे ने कसवर के नाच ले जब तू ब्याह में आई अपने गोने में तो कैसे नाच रही मीठो मीठो नन्नो नन्नो वैसे ही दिखा दे कि पीके शंकर जी की बूटी बूटी पी करने दिया टूटी पीके शंकर जी की बूटी बूटी पी करने दिया टूटी मेरा जिया हुआ बेकरार जरा सी और पिलाए दे यार जरा सी और पिलाए दे यार जरा सी यहो ए धुन रुक रुक बड़ा ही नाच रही है तब तक कन्हैया घूमत धोविनिया और धोवी के पास हमें पहुंच गए जब कन्हैया पहुंचे हैं तो क्या हुआ है कन्हैया धोवी से कहने लगे रे भैया धोवी ऐसा कर काउ गांव मान को ना आए धोवी की ने कहूं शर्म कपड़ा धब्बा ले फ्री में काउ ने 2 रुपए उने दे मैंने तो पहले ही कही भैया धोबी को जाते ना तो थोड़ा थोड़ा एक एक रुपया दे तो बहुत हो जाए धोबी की धुलाई देवी जी और नाई की मोड़ाई नाई की मोड़ाई धोबी की धुलाई नाव की उतराई कभी नहीं रखनी चाहिए जे सभी से फिर मैं बहन जी कंजूस हूँ एक एक रुपये उन्हें लगाता है हाँ तो भैया धोबी के पास में कन्हैया पहुंचे कहने लगे रे धोबी अरे तू ऐसा करे कि जे महाराज कंस के वस्त्र थोड़ी देर के लिए हमें दे दे क्यों हम मामा कंस का धनुष देखने जा रहे हैं धनुष देखे और तुम्हें वापस कर देंगे तो हम क्या करें तुम्हारो मोन आए कपड़ा ला का समझ में मारो मोन आए हाँ। क्यों भैया कैसे मोह है जे राजा महाराजा के कपड़ा है दिमाग खराब ना है वो अच्छा हाँ जैसे ही भगवान कन्हैया से धोबी कहने लगे हैं क्या का दिमाग खराब है अरे हम महाराज कंस के धोबी हैं और हम महाराज कंस के वस्त्रों को धोते हैं और तू कहाँ ग्वाल का मार है तूने बरमर में गैया चराई हैं तू बचपन से ही ग्वाल वालन को झूठो खा हुआ है अरे तू राजन के वस्त्र पहनेगा कन्हैया कहने लगे ज्यादा बात मत कर मुझे वस्त्र दे दे मैं भी मामा कंस के दरबार में ही जा रहा हूँ वहाँ पर मामा कंस के दरबार में और धनुष यज्ञ हो रहा है उसे देख करके और तुझे वापस कर दूंगा धोबी जब क्रोध करने लगा तो भगवान कन्हैया ने कही जैसे न माने हो लड़ाई करवाए देने की नहीं आज धोबी को भगवान प्रभु प्यारे श्याम सुंदर जब क्रोध में आए गए हैं तो कहने लगे कि भैया धोबी कहने लगो है कि कन्हैया अरे अगर तू इतनी दूर से आयो है महाराज कंस के वस्त्र पहरवे चाहतो है तो तू पहले मुँह से युद्ध कर ले अगर तू जीत गाओ तो कपड़ा तेरे और हार गाओ तो मेरे अच्छा हाँ ये राधा है और तो आजा हेलन दे दुद्दे हाथ चलो भैया कन्हैया देखते हैं तेरी अम्मान प्याव के हमारी अम्मान है धोबी कहने लगे भैया कन्हैया अरे रुक जा पहले रुक हमारे जहाँ के पहले नियम तो सुन ले तब लड़ाई करिए
हमारे यहाँ के पहले नियम सुन ले। हाँ बताओ। कह भैया जहाँ बीच में फालो काट ले। काट ले। हाँ चले भैया। अब सुने ते आ जाओ भैया कृष्ण। हाँ अब ठीक है। धोबी कह लगो भैया देख अब जे हमारे तुम्हारे बन गए फाले। ठीक है। अब हमारे यहाँ के मथुरा नगरी के नियम हैं। अगर हम तेरे फाले में आए गए तो कोई बात ना है और तू अगर हमारे फाले में आएगा हो तो मार बहुत पड़ेगी। हाँ चल ठीक है। और हमारी सुन ले। हाँ कि देख हम करेंगे तू करिए हमारे मुंह में उमरिया और हम करेंगे तेरी आंखें में उमरिया बॉर्डर से एक भी तबीयत ना होगा। बड़े चालू है। चालू का एक ही बात है। और सुने जब लड़ाई होगी ना। हाँ अगर धोबी कहने लगो कन्हैया आते हैं अगर देखे मैं गिर गाओ तो लड़ाई बंद और तू गिर गाओ तो चालू। चल भैया अब है जाते लड़ाई। चल है लंदा भैया तो आ जा। बंद 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 कर भैया। रुक जा रुक जा। हाथ से रख गाओ पकड़ना है बाबू। चल अब कर आ जा। चलो जल्दी करो। चल एक दो एक ही झटका में कर दे काम तमाम का नैया। राधे राधे बोल कृष्ण भगवान की। आज भगवान ने एक ही तमाचो ऐसो तो कि धोबी को पछाड़ दो है। धोबी से वस्त्रन को लाओ भैया। रुक जाओ धोबी लेटे रहो भैया। तीन चार जने आ जाओ ने महाराज धोबी को उठा ले जाओ। गला उठा रे और फेंक गया पल्लंग के मुंह में। समार के ले जाइयो भैया। ले जा लला पल्ला धरा राजपाल बुज्जी में। आज इधर क्या हुआ है कि महाराज कंस के दरबार में और कचहरी लगी हुई है महाराज।